Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. So now Wi-Fi is a part of an academy, जैसा जानते ही हैं. चो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आज लेटर आपका लास्ट है. आज आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर परसों आप जानते हैं फ्राइडे सैटरडे क्लास आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, नहीं तो आज आपका लास्ट हो जाता है. यूजेटी भी बताना आपको, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जो आपका होता है वो बताना है. तो कल आपका फाइनल हो जाएगा एकदम लास्ट, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थोड़ा फ्लो में चलेंगे तेज़ी से, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस डाउन चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है आपको. हाँ ठीक है जी सर, मंडे स्पेशल. चलिए मंडे स्पेशल ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो आज आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर कंप्लीट होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन जो आते हैं पेपर्स में वो कंप्लीट करेंगे. फिर कल आपका यूजेटी होगा, यूजेटी के बाद आपका पूरा द एंड हो जाएगा आपका ऑसिलेटर का. फिर फर्दर हम जो टॉपिक्स हैं हमारे एक्स्ट्रा उनको फिर हम कवर करेंगे. ठीक है चलिए जी. तो सबका कैसा रहा कल का सैटरडे, कल कैसा रहा फ्राइडे का आप लोग का? जी फ्राइडे को रिजल्ट कैसा रहा सबका? किसका किसका हुआ किसका नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, जिसका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो. लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं, जैसा कि आप जानते हो और आप सुनते हो यूट्यूब पे मोटिवेटर्स के आप वीडियो लगा सुनते हैं रहते हैं ना, मोटिवेट होते रहते हैं. तो वही है कि आप बस पढ़ाई फोकस करिए, आप दैट्स इट हो गया. जैसा कि सब लोग कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ. चलिए स्टार्ट करें सेशन. जी मैंने फॉर्म नहीं भरा था अज्जू राठौड़ जी, मैंने फॉर्म नहीं भरा था इसलिए मेरा तो कुछ नहीं हुआ. आप लोग का अच्छा हो गया हो बस सही है. चलिए जी स्टार्ट करें जी. जो जो क्वालिफाइड हुआ है उनको मेरी तरफ से और वाईफाई शेडी की तरफ से और हमारे अभिषेक सर की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं. और साइको में आप लग जाइए, क्योंकि जॉब जॉब होती है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो कोई भी हो. अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो जॉब जॉब होती है, आपको पता ही है. हो जाएगा राहुल सनी जी, आप टेंशन मत लो, सबका हो जाएगा जी. हाँ होमवर्क सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे. चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं. तो आपका जो एज यूजुअल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रॉक स्टार होते हैं, जो हमारे होमवर्क को प्रॉपरली करते हैं, उनके कुछ नाम हैं वो आप देख सकते हैं. काफ़ी सारे नाम हैं, तो सबका नाम पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ. जिनका नाम इस बोर्ड में है, जिनका नहीं है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग कम से कम मेहनत कर रहे हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा. आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी. ठीक है कैलाश चंद जी, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो. तीन नंबर एक नंबर दो नंबर इशू नहीं करता है. हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो भगवान ने, हो सकता है आप जेई बन जाओ. और जेई बनोगे आप, क्योंकि आप वाई फैसिलिटीज पढ़ रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आप बनोगे. ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो सोच ले कि वो जेई में होने वाला है इसलिए उसका एलपी में नहीं हुआ है. ठीक है, तो सबका नाम आप लोग देख लीजिए जिनका नाम है. ओके तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट अपने कोर्स की ओर, तेज़ी से देखते हैं जी. कोई बात नहीं, जो होमवर्क नहीं कर पाया जो राठौड़ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जान रहा हूँ एएलपी का रिजल्ट आया था तो आप लोग उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए हम बात करते हैं, हमारा चल रहा था क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है, हमने आपको बताया था, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप थोड़ा सा उसको खोजना कि क्रिस्टल ऑसिलेटर होता क्या है, उसका काम क्या है, और उसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है. उसको आपने आई होप सर्च किया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम अभी बात करेंगे. तो क्रिस्टल्स मैंने आपको बताया था उस दिन, तो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं तेजी से. देखिए क्या है, आपके पास कई सारे ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है, कई सारे होते हैं, कई सारे नाम होते हैं, लेकिन आपका जो मेन होता है, जो आपके पेपर पूछा जाता है, वो दो ही टाइप के होते हैं, एक साइनोसाइडल एक नॉन साइनोसाइडल. साइनोसाइडल में दो होते हैं, ऑडियो और रेडियो. नॉन में आपका यूजेटी हो गया, मल्टी वाइब्रेटर्स हो गए. ठीक है, अब बात करते हैं साइनोसाइडल में, जब दो आपके दो हो गए ऑडियो और रेडियो. ऑडियो या रेडियो बोलते हैं तो ऑडियो मतलब आरसी,
जिसमें आरसी कंपोनेंट का आप यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं ऑडियो, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जिसमें आप एलसी कंपोनेंट यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं रेडियो एलसी। एलसी में तीन थे आपके मोस्टली, हर्टले, कॉल्पिट्स और क्लैप। हर्टले कॉल्पिट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया भी था तो आपने उसको अच्छे से किया भी है। फिर आपका आता है एक स्पेशल टाइप का जिसको बोलते हैं आप क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर ही आपका मोस्टली यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में, जितने भी आपके हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं सब जगह आप क्रिस्टल ही यूज करते हो। डन जी, बिल्कुल जी, जो जिनका जिनका हो चुका है सीबीडी टू में सबको कांग्रेट्स करता हूँ मैं, मेरी तरफ से भी और वाई फाई की तरफ से, सब लोग अपना ध्यान देंगे। अब आ जाइए फटाफट अपने लेक्चर पे, ठीक है? तो फटाफट देखते हैं कि हमने कल, हमने उस दिन क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होता है, हम नेचर में पाते हैं, ठीक है, और वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं और आप कहाँ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मेजरमेंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इनवर्स और पीजो इलेक्ट्रिक दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो क्या होगा आपका, व्हेन एन एसी अप्लाइड अक्रॉस देम दे वाइब्रेट एंड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। मैंने आपको बताया था कि जो जब करंट प्रोवाइड करते हो किसी भी सिलिका को, आपका क्रिस्टल किसका होता है, बेसिकली सिलिका बनाते हो आप, जब करंट प्रोवाइड करते हो तो करंट क्या होता है, उस सिलिका में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से क्या होता है आपका, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो क्या हुआ आपका, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो दोनों ब्रांच को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है? कन्वर्सली अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, इफ दे आर मैकेनिकली प्रेस्ड दे जनरेट एन ए सी वोल्टेज। अगर आप मैकेनिकली प्रेस करते हो यानी कि आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है कि आपका वो मैकेनिकली क्या करता है, एक वोल्टेज वो जनरेट करता है। सबको आवाज विजिबल है ना, सॉरी आवाज ऑडिबल है, चलिए परफेक्ट। अब मुद्दा ये आता है, जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो तीन टाइप के होते हैं, मटेरियल्स होता है ना आपका, मटेरियल्स तो तीन मटेरियल्स आपके होते हैं, एक होता है क्वार्ट्ज, एक होता है रॉसेल सॉल्ट, एक होता है टर्मेलाइन। ये तीन मटेरियल आप यूज करते हो किसी भी क्रिस्टल ऑसिलेटर को बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आप यूज कौन सा करते हो, क्वार्ट्ज करते हो। ऐसा नहीं कि क्वार्ट्ज आपका सबसे बेस्ट होता है, ये रॉसेल सॉल्ट और टर्मेलाइन के बीच में लाई करता है, इसलिए आप क्वार्ट्ज लेते हो, ठीक है? तो पहले हम मटेरियल की बात करेंगे, कौन कौन से मटेरियल आप यूज करते हो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो ऑपरेशनल, जिसको आप बोलते हैं सर्किटरी फिनोमेनन क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो रॉसेल सॉल्ट आपका जो था, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है ये, फॉर अ गिवन वोल्टेज दे वाइब्रेट मोर देन क्वार्ट्ज एंड टर्मेलाइन। सिंपल सी बात है, ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है? तो क्या होगा आपका, मैकेनिकली दे आर वीकेस्ट, दे ब्रेक इजिली, लेकिन मैकेनिकली ये बहुत ही वीक होते हैं और जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे तो वर्क करते हैं लेकिन ये मैकेनिकली वीक भी होते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कौन सा यूज होता है तो कौन सा करेंगे आप, रॉसेल सॉल्ट आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है? फिर आपका ये दे रखा है, ये हो चुका है ऑलरेडी एक्चुअली, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, आपका नेक्स्ट जो है डायग्राम वो देखते हैं फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सकें तेजी से और आपका आज क्वार्ट, आपका क्रिस्टल सेट खत्म करते हैं। नेक्स्ट आपका है टर्मेलाइन। नेक्स्ट कौन सा है आपका, टर्मेलाइन है। टर्मेलाइन क्या होता है आपका, बेसिकली शोज द लिस्ट पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बट स्ट्रांगेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि जब स्ट्रांगेस्ट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा आपका टर्मेलाइन होता है, फिर उसके बाद आपका क्वार्ट्ज होता है, फिर उसके बाद आपका रॉसेल सॉल्ट होता है। अगर स्ट्रांगेस्ट की बात करें तो, मैकेनिकली अगर बात करें तो ये आपका क्रम होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि मैकेनिकली स्ट्रांगेस्ट की बात करेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे कम होगा, तो आपका ये फिगर आता है, ठीक है? डन। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड यूज एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसको आप वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हो। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बात करते हैं क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज इन दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए आप क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा यूज करते हो, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हम देख चुके थे उस दिन, हम लोग सैटरडे को देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब मुद्दा ये आता है कि कैसे आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसे होती है कि मान लीजिए कोई दो स्लैब हैं, एक आपका थिन है, एक आपका थिक है। जो थिन वाला है उसको अगर आप क्रॉस करेंगे, मान लीजिए आपके पास ये थिन है और एक आपके पास थिक है, अगर कोई एक सिग्नल अप्लाई करते हो तो ये इसको बहुत तेज़ी से पास कर जाएगा, लेकिन इस वाले की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मीन्स अगर बात करें तो जो थिन वाला होता है, अगर थिन स्ट्रक्चर है तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी। डन, अगर थिन है, पतला है, अगर
कोई भी क्रिस्टल तो वो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। अब पतला हो गया तो उसका स्ट्रांगनेस जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको कहते नहीं कि एक ऐसा लिया जाता है जिसको आप बोलते ना कि आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो थिन में आपका हाई फ्रिक्वेंसी भी काम करेगा, अगर थिक की बात करेंगे, मोटे की बात करेंगे तो कहाँ करेगा वो, लो फ्रिक्वेंसी की बात करेगा। ठीक है, अगर आपका थिन है तो हाई फ्रिक्वेंसी, अगर आपका थिक है तो लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मैंने हाई फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है, हाई फ्रिक्वेंसी, डन। चलिए डन, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला है, इसको याद रखिएगा, अगर थिन मटेरियल है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, अगर आपका थिक है तो वो लो फ्रिक्वेंसी पे, सॉरी हाँ, अगर आपका थिक है तो लो फ्रिक्वेंसी काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात किया, हमने क्रिस्टल मटेरियल्स की बात की, उसकी थिकनेस की बात की। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, T के होता है। ये बात समझ में आई बच्चा ना, कि जो ज़्यादा पतला रहेगा उसको क्रॉस करने में आपको टाइम कम लगेगा, जो मोटा होगा उसको क्रॉस करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/T के। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर टाइम कम लगेगा तो फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्लियर है? सॉरी, चलिए डन, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपका आता है मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली, जो आपके एनालॉगस होते हैं, आप कंट्रोल सिस्टम इसको पढ़ते हो, सबको विजुअल होगा आई थिंक, सबको विजुअल है जी, फिगर सबको विजुअल है। ओके, चलिए परफेक्ट, डन, सबको फिगर विजुअल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहां पे बात हो रही है कि आपका जो मैकेनिकल है, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं उसको आप पहले देख लीजिए कि ये हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज होंगे। ये आपका मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पे ये आपको बताया जाता है, ठीक है। मैकेनिकल जब पढ़ते हो आप, तो यहाँ पे आपका B क्या होता है, आपका B होता है फ्रिक्शन, M क्या होता है आपका, M होता है आपका मास, और K क्या होता है आपका, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो बनती है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन वो क्या बनती है, F इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस के एक्स। आपको ये इक्वेशन फॉर्म मिलती है कंट्रोल सिस्टम में, आप देखते हो तो आपको ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है, एम डी स्क्वायर डी एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आपको ये वाली इक्वेशन मिलती है। इक्वेशन कैसी मिलती है, आपने RLC सर्किट पढ़ी होगी नेटवर्क में, RLC सर्किट आप किसमें पढ़ते हैं, नेटवर्क में। तो वहाँ पे क्या होता है आपका, इसको मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। तो V इक्वल टू होता है आपका L डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 अपॉन C इंटू क्यू। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, कारण क्या है उसका, देखिए जब आप पीजो क्रिस्टल आपका होता है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में, तो आपका एक सर्किट डायग्राम बनता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो यहाँ से अगर आप देखें, कंपेयर करें अगर, तो क्या होगा, चलिए बच्चा यहाँ तक विजुअल सबको है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है जी? नहीं, फिगर आपको नोट नहीं करना है, आप बस ये समझ लो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे, जब आप फिगर अभी देखोगे किसका, क्रिस्टल का, तो वहाँ पे आपका जो होता है फिगर इक्विवेलेंट डायग्राम जब बनाते हो तो कैसे बनाते हो वो आपको याद रखना है, कि आपका जो मास होता है, जो आपका मास होता है, देखिए ये आपका मास जो है ये L के इक्विवेलेंट है, ये जाएंगे यानी कि जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मास होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इंडक्टर के इक्विवेलेंट होगा। जो उसका फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, R के इक्विवेलेंट होगा। और जो आपका KX यानी कि जो आपका K होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 बाई
सी के इक्विवेलेंट होगा। कहने का मतलब ये है, जब आप क्रिस्टल ऑसिलेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हो तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करते हो। ये आपका कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है, आपको ये नहीं पढ़ना है, पढ़ाना हो बस आपको। नहीं नहीं सुब्रतो ज्योति जी, आपको सुब्रतो सुब्रो ज्योति जी, आपको ये नोट नहीं करना है, पढ़ाना हो। अगर आपको समझना है तो आप नोट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल को याद रखिए, ठीक है। चलिए, जो टेबल आपकी है, टेबल को आपको ध्यान रखना है, टेबल जो आपका है, ठीक है। टेबल कौन सा रखना है आपको, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, फिगर मैं आपको भेज, फिगर मैं आपको दे दूंगा बच्चा, पठानना हो, ठीक है। आप इसको नोट करिए, या आपको इच्छा हो तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एनालॉगी होती है, यानी कि जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आपका जो फिगर बनता है, वो कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। ये आपका जो देखिए, ये जो आपका फिगर है, ये आपका रियल लाइफ में जो आप क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हो, ये आपका फिगर है रियल लाइफ में जो आप क्रिस्टल यूज करते हैं, ठीक है। अब जो आपका फोर्स और उसमें एनालॉगस है, कि आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कौन सा एनालॉगस होता है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ आपका मैकेनिकल होता है और एक तरफ आपका इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। एक तरफ आपका मैकेनिकल है, एक तरफ आपका इलेक्ट्रिकल है। तो मैकेनिकल में अगर आपका फोर्स है तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका वोल्टेज वी के बराबर होगा। अगर फोर्स है तो फोर्स किसका होगा, आपका वोल्टेज वी के बराबर। तो आपको पता है ना V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है ना, यानी कि जो चार्ज पर वर्क करता है उसको आप बोलते हैं वोल्टेज। तो फोर्स आपका वोल्टेज के बराबर होता है। अगर आप बात करें मास, मास जो होता है आपका M, ये किसके बराबर होगा, आपका L के बराबर होगा, इसको आप बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। आपका मास जो होता है वो इंडक्टर के बराबर होता है। अगर आप आगे बात करें तो B आपका जो होता है फ्रिक्शनल कोफिशियंट, इसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल कोफिशियंट, यानी फ्रिक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, आपका R के बराबर होगा। अगर आप बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट K जो आपका होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना आपका, स्प्रिंग जब खींचते हैं आप और उसको आप जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है। तो क्या होगा, इसके बराबर होगा आपका 1/C के बराबर होगा, ठीक है। और आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है, आपका जो होता है वो क्यू के बराबर होता है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत? इसकी ब्राइटनेस जी, कोई समस्या? चार्ज आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है बच्चा। चार्ज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डन। और आपका जो वेलोसिटी होता है वो होता है करंट, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, उसका कारण है। अरे डाउट है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से, हैं सबको क्लियर होगा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम आ गया, ठीक है, इसीलिए मैं परेशान था, सॉरी। ये आपका डायग्राम था, मैं इसके लिए ही परेशान था। सबको विजुअल है ये डायग्राम प्रॉपरली? चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम, चलिए परफेक्ट। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोड, ये जो आपके पॉइंट हैं इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपका है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपका एक मटेरियल रखा हुआ है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो क्या होगा, वो आपका कैपेसिटर होगा, यानी कि जब आपका कोई भी फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हो, यानी फोर्स अगर आपका अप्लाई नहीं है, मीन्स आपका अगर फोर्स जीरो है पहली केस में, तो आपका जो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये आपका होता है CP के बराबर। यहाँ पे CP आपका होता है, CP के बराबर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दो इलेक्ट्रोड है, बीच में आपका मटेरियल है, ठीक है। सेकेंड केस, जब आप क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई कर देते हो, फोर्स इज अप्लाई, जब आप फोर्स अप्लाई कर देते हो तो क्या होता है आपका, आपका RLC, ये सभी सीरीज में RLCS, ठीक है,
सीरीज में आपका क्या होता है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, गड़बड़ हो गया, चलिए रुकिए एक मिनट। अच्छा फिगर आपको विजुअल नहीं है क्या बच्चा? चलिए फिगर आपको विजुअल बच्चा ना, सीपी क्या है आपका? सीपी जो है मैंने आपको बताया ना, जो फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हो, जब आपने फोर्स को अप्लाई नहीं किया बच्चा, तो आपका सीपी होता है, ठीक है? मीन्स आपका सीपी कब होगा, जब आपका फोर्स अप्लाई नहीं है तो आपका सीपी होता है, ठीक है? जब आप फोर्स अप्लाई कर देते हो तो आपका आरएलसी, अभी मैंने आपको दिखाया है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनालॉगस, ठीक है? तो आपका आर क्या होगा, ये फ्रिक्शन के बराबर होगा, एल क्या होगा आपका मास होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर का मास होगा, और आपका सी क्या होगा आपको पता ही है क्या होता है आपका, क्लियर है जी? क्लियर है? अब विजुअल होगा, ठीक है? चलिए परफेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, तो यहां पे आपने देखा कि आपने दो चीजें पढ़ी, पहला आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आपने लॉगस पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है आपका? सीरीज रेजोनेंस आप जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, तो उसको हम बात करते हैं, चलते हैं किसमें, सीरीज रेजोनेंस में। यहाँ तक क्लियर है? सीपी आपका है पैरेलल कैपेसिटेंस। बच्चा जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, मीन्स आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है, तब उसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो होगा वो आपका सीपी होता है, यानी कि फोर्स इज नॉट इक्वल, जब फोर्स आपका जीरो, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो आपका सीपी होता है, ठीक है? जब फोर्स आप अप्लाई कर देते हो तो सीरीज में उसके, यानी कि इस सीपी के पैरेलल में आपका आरएलसी सर्किट आ जाता है, क्लियर है? अरे बच्चा क्या हुआ, क्लियर है? आप लोगों का कमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा, हाँ पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है? अब आगे बढ़े जी, बिल्कुल मयंक सैनी जी सब कुछ देंगे, पहले आप भी वोट दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी पहले क्लास फोकस करिए आप। तो आपका ये फिगर आपको समझ में आ गया था, तो यानी हमको दो चीज देखनी है, पहले आपको देखना है सीरीज रेजोनेंस। क्या देखना है आपको? सीरीज रेजोनेंस। लेक्चर फ्लो सही चल रहा है ना आप लोग का? कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हो? पहले आपने पढ़ा क्या मटेरियल के बारे में? मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? क्वार्ट्ज, रॉसेल सॉल्ट और टर्मेलाइन, उसके बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि भाई जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट होती हैं, तो आपने कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से पढ़ा अभी कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आप कैसे कन्वर्ट करते हो। फिर आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम देख लिया, क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते भी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा। डन यहाँ तक। अब बात करते हैं सीरीज रेजोनेंस की, ये होता क्या है। तो आपको पता है अगर आपके पास ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, अगर सीरीज में आपके हैं तो क्या होता है आपका रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस की कंडीशन होती है, देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, क्रिस्टल में कुछ नया नहीं पढ़ते आप, ये उसका एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया है कि पहले आप बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर बेसिक्स का एप्लीकेशन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाते हो, यानी कि जैसे आप टॉपिक कवर करते हो तो सभी का एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीरीज में जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, परफेक्ट। चलिए तो बात करते हैं रेजोनेंस होने के लिए पहली कंडीशन जो होती है कि एटलीस्ट दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है? दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, कोई दिक्कत यहां तक बच्चा? दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए, अगर आपको सीरीज रेजोनेंस करना है तो दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपके होने चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट आपका होता है, इसमें दो कौन कौन से हैं आपका? एल और आपका सी है। साथ ही साथ जब रेजोनेंट ऑकर होता है तो आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। थोड़ा आपका नेटवर्क का पार्ट आ गया है, जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे ये आपको पढ़ाया जाता है। तो आपका ये आर है, ये एल है और ये आपका सी है, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? चलिए जी, रेजोनेंस ही पढ़ाने जा रहा हूं आपको, रेजोनेंस ही पढ़ाने जा रहा हूं। ओके जी बिल्कुल, मैं रेजोनेंस ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से बस देखते रहिए। अब मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, बस सीधे पहले मैं पूरा आपको कवर करा दूँ, उसके बाद मैं कमेंट देखूंगा, जिसमें आपको दिक्कत आएगी आप मुझे बताना, ठीक है? आफ्टर आफ्टर द कंप्लीशन, ठीक है? चलिए तो रेजोनेंस,
तो रेजोनेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको आप देख लो। पहला क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस कब आकर होता है, तो रेजोनेंस आपका आकर कब होता है, जब आपका सीरीज या पैरेलल कोई भी हो, मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि आपके कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं। क्लियर है? अब पहला केस तो टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ये आपका पहला कंडीशन है, डन। सेकंड आपका आता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब ये एक्सएल और एक्सी क्या है उसकी बात करते हैं। एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल के बराबर, एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल, और आपका एक्सी जो होता है ये होता है आपका वन अपॉन में ओमेगा सी। बेटा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप यहां से कम नहीं तो 5-6 नंबर पढ़ के जाओगे। क्रिस्टल जो है वो तो कवर करोगे ही आप, साथ में आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे, और आपकी फिजिक्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि कब आपका इंडक्टर ओपन होता है, कब आपका शॉर्ट होता है, कैसे क्या होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये एक्सएल हो गया और आपका ये एक्सी हो गया। अब यहां पर जो एक्सएल होता है इसका मतलब क्या होता है कि इंडक्टर के द्वारा, जब आप इंडक्टर यूज करते हो तो इंडक्टर के द्वारा करंट में जो फ्लो का विरोध होता है वो होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको आप बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, यानी कि दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही करंट के फ्लो का विरोध करेंगे। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो करता ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडक्टर और रेजिस्टेंस में फर्क क्या होता है? पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि रेजिस्टेंस भी करंट का विरोध करता है और इंडक्टर भी करंट का विरोध करता है, दोनों ही करंट का विरोध करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है जी? बताइए क्या होगा दोनों में फर्क क्या होगा, बताइए फटाफट बच्चा। रेजिस्टेंस भी करता है, इंडक्टर भी करता है, दोनों ही करंट का विरोध करते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस आपका चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो स्टेडी हो, चाहे वो चेंजिंग हो, करंट आपका चाहे चेंज कर रहा हो, चाहे वो रुका हुआ हो, यानी स्टेडी स्टेट में हो, रेजिस्टेंस दोनों केस में आपका क्या करेगा? करंट का विरोध करेगा। लेकिन जो आपका इंडक्टर होता है, जब आपकी करंट चेंज होगी, जब भी करंट चेंज होगी तभी वो उसका विरोध करेगा, अन्यथा वो विरोध नहीं करेगा। बात समझ में आ गई बच्चा? यानी जब आपका करंट चेंज होगा तभी वो विरोध करेगा। आपको फॉर्मूला पता ही है, V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है एल डी आई ओवर डी टी। V इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई ओवर डी टी। डी आई ओवर डी टी मतलब क्या हुआ? जब करंट में चेंज होगा तो उसका वो विरोध करेगा। यहाँ पर जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यानी कि जब ये वोल्टेज में चेंज होगा, जब वोल्टेज में चेंज होगा तब ये विरोध करेगा। बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैपेसिटर किसका विरोध करता है और इंडक्टर किसका विरोध करता है। एक्सएल का मात्रक भी ओम होता है, एक्सी का मात्रक भी यानी यूनिट आपका ओम ही होता है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं कि एसी और डीसी को कौन ब्लॉक करता है, कौन पास करता है। क्यों बता रहा हूँ? कारण ये है कि ये टॉपिक आ चुका है तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब ये टॉपिक आ गया है तो इसको आप एक बार देख लो, ठीक है। जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आता है वो उनको एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट डीसी ब्लॉक। डीसी कौन ब्लॉक करता है ये मुद्दे की बात है, ठीक है। डीसी कौन ब्लॉक करता है तो बताइए फटाफट बच्चा, जिसको पता हो। एल करता है कि सी करता है? कौन करता है डीसी ब्लॉक? परफेक्ट, जी हाँ रंजीत जायसवाल जी, इंडक्टर जो होता है अपोज करता है जब करंट आपकी चेंज होती है। जब करंट चेंज नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, जब करंट चेंज होने की कोशिश करेगा तब वो अपोज करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? अब डीसी ब्लॉक कौन करता है, पास कौन करता है, उसको देख लेते हैं। एक जुगाड़ है तो ये मत सोचिएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो जुगाड़ आपका कुछ ऐसा है, अगर आपको इसे भूल जाओ आप कि डीसी कौन ब्लॉक करता है, कौन पास करता है, तो आपका ये इंडक्टर होता है। इंडक्टर का ये डायग्राम आपका है, आपका डीसी स्ट्रेट जाता है, ठीक है, आपका ये डीसी आ गया, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? और आपका ये एसी है, कोई दिक्कत? तो डीसी क्या हो गया? डीसी आपका पास हो गया और आपका एसी
ब्लॉक हो गया। तो ये जुगाड़ है, जैसे कि आप भूल जाओ अगर तो आप इसको याद रखना, ये मोस्टली आपको शायद पता भी होगा, ठीक है। तो ये जुगाड़ यानी डीसी पास करेगा, एसी आपको ब्लॉक करेगा। एल इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य नहीं करता है, इंडक्टर एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, ये याद रखना आप। ब्लॉकिंग करना पासिंग करना उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इंडक्टर जो है वो दोनों पर वर्क करता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ठीक है। ये तो हुआ जुगाड़ की सहायता से। अब कॉन्सेप्चुअली आप कैसे बताओगे वो देख लेते हैं फटाक से, कि कॉन्सेप्चुअली कैसे होगा आपका। चलिए कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं कैसे आपका होता है। आपको पता है इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली अगर आपको इंडक्टर निकालना हो तो आपका होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है आपका? 2πf होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है, होता है ना। अब f इक्वल टू जीरो, अगर मैं f इक्वल टू जीरो लिखूं, इसका मतलब क्या है? वो डीसी सिग्नल तो है, डीसी सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? जीरो है। आपका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो जीरो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आज के सेशन में सभी पॉइंट क्वेश्चन बन के आते हैं, हर एक पॉइंट जो बता रहा हूँ आपको सब क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए इसको सीरियसली आप सुन लीजिएगा। जो जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं जानते उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो होता है। टाइम पीरियड क्या होगा आपका? इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि डीसी सिग्नल कैसा होता है आपका, कुछ इस प्रकार का होता है, दिस वन, ये आपका डीसी है। तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई सिग्नल है एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। फॉर एग्जांपल आपका ये सर्किट डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आया, फिर उसके बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करता है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? यानी कि ये आपका टाइम पीरियड हो गया, यानी आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये फिर से अपने आप को रिपीट करता है। तो डीसी का टाइम पीरियड का इनफाइनाइट होने मतलब ये है कि वो इनफाइनाइट पे जाके अपने आप को रिपीट करेगा। बात समझ में आ गई? तो टाइम पीरियड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी पेपर में भी, तो आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, चलिए जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा कि सर आज तो, लेकिन मजबूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ इक्वल टू जीरो है, डीसी सिग्नल है, तो आपका एक्सएल कितना होगा? एक्सएल में आप एफ की वैल्यू पुट करो, 2πfL। अगर आप एफ इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा आपका? एक्सएल जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। एक्सएल है क्या आपका? ये रेजिस्टेंस ही तो है, ओम इसका यूनिट है ना, ये रेजिस्टेंस ही तो है। मीन्स रेजिस्टेंस अपोज नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या करेगा? वो पास करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? इसलिए इसको आप फिल्टर में भी यूज करते हो, इंडक्टर और कैपेसिटर आप फिल्टर में क्यों यूज करते हो? यही कारण है उसका, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट वेरिएबल एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये डीसी को पास कर देगा और जुगाड़ आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, फटाफट करते हैं इसको क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अब अगर आपका सेकेंड जो आता है कि आपका एफ इक्वल टू क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। सेकेंड केस आपका टू, एफ इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ आपका? एसी सिग्नल। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं होता कि आपका सिग्नल, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकली एफ इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। समझ आया? कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो जब f इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो xl क्या होगा? xl इक्वल टू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। करंट अभी क्या होगी? जीरो फ्लो होगी, यानी क्या बोलेंगे आप? ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो क्या होगा आपका? ये ब्लॉक कर देगा, यानी कि ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए परफेक्ट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम फटाफट करते हैं। तो ये आपका हो गया इंडक्टर के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका हो गया किसके बारे में? इंडक्टर के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? कैपेसिटर की। डन, चलिए कैपेसिटर की बात करते हैं फटाफट। तो सी है आपका, सी की बात करें तो सी क्या होता है आपका? एक्सी होता है। एक्सी मतलब क्या हुआ? यानी कैपेसिटर के द्वारा करंट में जो विरोध उत्पन्न करता है वो होता है आपका एफ सी। एक्सी आपका होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कैपेसिटर किससे बना होता है? किसी मटेरियल से बना होगा। अब पहला केस, अगर आपका एफ जीरो हो गया, अगर एफ आपका जीरो हो गया तो क्या हुआ? डीसी। अगर डीसी हो गया तो आपका एक्सी क्या होगा? एक्सी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपका एक्सी इनफाइनाइट हो गया तो आपका आई क्या होगा? आपका आई
जीरो, अगर आपका आई जीरो हो गया यानी कि ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या हुआ, इसने ब्लॉक कर दिया यानी डीसी को ये ब्लॉक करेगा। इंडक्टर कैपेसिटर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो काम वो करता है वो काम वो नहीं करता है, और जो काम वो करता है वो काम वो नहीं करता है, वो मतलब एक्सएल और एक्सी, ठीक है। अब आपका एफ इक्वल टू इन्फाइनाइट हो गया, क्या होगा आपका, आपका एफ इक्वल टू इन्फाइनाइट, जब आपका एफ इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा टाइम लग, बस हल्का सा है, जल्दी निकाल लेते हैं इसको। आपका सेकेंड आ जाएगा एफ इक्वल टू इन्फाइनाइट, जब इन्फाइनाइट होगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन में इन्फाइनाइट, यानी कि आपका जीरो। तो यानी कि आपका आई क्या होगा, आपका आई मैक्सिमम फ्लो होगा, जब आपका आई मैक्सिमम फ्लो होगा यानी कि रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, जीरो है, तो क्या करेगा ये पास कर देगा, यानी कि क्या करेगा ये एसी को पास करेगा, ठीक है, एसी पास। अब इसका जुगाड़ भी होता है, जुगाड़ कैसे याद रखना है आपको वो देख लेते हैं, कैसे जुगाड़ याद रखना है आपको देख लेते हैं फटाक से तेजी से। चलिए, इंडक्टर केस में, सॉरी इंडक्टर केस आपका आएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का फिगर आएगा, ये आपका इंडक्टर है, कैपेसिटर में कैसा आता है आपका कुछ इस प्रकार का फिगर आता है। अब जुगाड़ देख लीजिए, जुगाड़ क्या होता है वो देख लीजिए तो आपको याद रहेगा ये। अगर आपका इंडक्टर है तो सिंपली आपका डीसी पास, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका डीसी आया और ये क्या हो गया ब्लॉक, ठीक है, आपका डीसी क्या हो गया ब्लॉक हो गया, दरवाज़ा मिल गया उसको, और एसी क्या होगा आपका पास। इसके पीछे एक कहानी भी है, एक बच्चे ने ऐसे ही बताया था किसी टीचर को, तो उन्होंने बोला कि मुझे पहली बार मालूम चला कि ये कैसे ब्लॉक करता है कैसे पास करता है, तो कॉन्सेप्ट क्या समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सबको, जी परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो आपने क्या चीज़ सीखी है, आपने देखा है, चलिए एक्चुअली इधर ही हवा आ रही है चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो आपने देखा एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, एक्सएल क्या होता है, एक्सी क्या होता है, आपने देख लिया कि एक्सएल जो होता है आपका वो इंडक्टर के द्वारा करंट में उत्पन्न विरोध जो होता है वो, और आपका एक्सी क्या होता है, सेम चीज़ वही। अब आगे बढ़ते हैं आपका रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है उसको देखते हैं फटाक से तेजी से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोला ये गया कि भैया अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, ये चीज़ मैं भी अपने कॉलेज टाइम पे समझ नहीं पाया था, मैंने रट लिया था इसको। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे किसी सिस्टम को क्या कर देते हो, मैच करा देते हो, एक टाइप से फ्रिक्वेंसी मैचिंग आप बोल सकते हैं। इस पर एक कहानी भी है कि एक पुल था कोई फॉरेन में, वहाँ पे जब सैनिक उस पुल को पार कर रहे थे तो जो कदन ताल होता है उसमें जो वाइब्रेशन हुआ उस पुल के फ्रिक्वेंसी से वो मैच कर गया और आपका वो पुल टूट गया। तो रेजोनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फिनोमिनन है, इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हल्की चीज़ है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल से आप सीधे कहाँ कूदे, क्रिस्टल ऑसिलेटर में। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो एक्सएल क्या आपका होता है, ओमेगा एल होता है, एक्सी क्या होता है, वन अपॉन में ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन में एल सी। अगर आप बात करें तो यहाँ से ओमेगा क्या होगा आपका, वन अपॉन में अंडर रूट एल सी। ओमेगा क्या होता है आपका, रेडियन फ्रिक्वेंसी होता है। अगर आप f के बारे में लिखें तो f इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट में एल सी। ये मैंने आपको क्यों बताया, यही आपका होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का सीरीज रेजोनेंट में फ्रिक्वेंसी, आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इसका यूज है, यही आपका क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है जब वो सीरीज पे वर्क करता है। बात समझ आ गई, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो मैटर नहीं करता है, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है सेम रहती है, इसको आप बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। कोई दिक्कत यहां तक, जी बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, देखिए रेजोनेंस का जो यूज होता है बेसिकली आप फ्रिक्वेंसी मैचिंग के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, ये मेन फ्रिक्वेंसी मैचिंग के लिए ही होता है, ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलिए अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको आप देख लीजिए, कुछ बच्चे कंडीशंस बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जिनको पता है इस बारे में। अब रेजोनेंस ऑकर हो गया है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जब आपका रेजोनेंस ऑकर होता है तो कुछ इसमें रिजल्ट निकल के आते हैं बाहर, रिजल्ट क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। अगर जेड की बात करें तो आपका जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आपका जेड होता है आर एल सी में, सिंपल, ठीक है, आर एल सी। जो आप नेटवर्क पढ़ेंगे तो आपको फिर से ये रिवाइज होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ
जब XL इक्वल टू XC होगा तो आपका Z क्या होगा? Z आपका मैक्सिमम होगा कि Z आपका मिनिमम होगा, ये बताओ पहले। जब आपका XL इक्वल टू XC होगा तो Z आपका मैक्सिमम होगा, Z आपका मिनिमम होगा, बताइए बच्चा जी, बताइए आपका Z मैक्सिमम होगा कि Z आपका मिनिमम होगा? जी जल्दी से रिस्पॉन्स करिए तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए बच्चा। मिनिमम, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, मिनिमम होगा। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप में नेटवर्क मेंशन है, ये नेटवर्क आप फिर से पढ़ोगे तो बेटर है। कि होता क्या है, आपका सिलेबस बहुत छोटा रहता है लेकिन आपको क्या होता है कि आदत पड़ी होती है कि हर एक सब्जेक्ट में आप वही चीज़ फिर से रिपीट कराओ, फिर से आप वही पढ़ो। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, बताइए इतने में आप कंफ्यूज हो बच्चा। ये बताओ आप, पहले जेड में आपका एक क्वांटिटी ऐड हो रहा था, पहले आपके जेड में ये क्वांटिटी आपकी एक्स्ट्रा थी, ठीक है, ये ऐड हो रही थी। अब आपका ये क्वांटिटी क्या हुआ, हट गया, तो क्या होगा, मैक्सिमम कि मिनिमम? सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चा। चलिए क्या होगा आपका, मिनिमम होगा, बात समझ में आई? क्यों होगा, कारण क्या है, पहले r के साथ आपका ये क्वांटिटी कुछ भी हो, ये ऐड होके आप स्क्वायर रूट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आपका ये क्वांटिटी हो गया है कट, ये है ही नहीं, तो क्या होगा आपका जेड, जेड आपका क्या रहेगा, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट? समझ में आ गया मिनिमम क्यों होगा? चलिए क्लियर है, मनोज कुमार नायक जी मैं बता रहा हूं आपको, कमेंट दे दूंगा मैं, पठान मत होइए, ठीक है, सबको मिनिमम क्लियर है, मिनिमम कैसे होगा, क्लियर है। अब आपका जेड क्या होता है, मिनिमम, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब रेजोनेंस कंडीशन में आपका इंपीडेंस क्या होता है, तो आपका इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, तो आपको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, जेड मिनिमम, थर्ड पॉइंट क्या होगा, आई क्या होगा आपका, आई मैक्स हो जाएगा, मैक्स क्यों हो जाएगा, वी अपॉन में क्या होता है आपका, जेड मिनिमम होता है, कोई दिक्कत यहां तक? फिर आप बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या पार्ट बोल सकते हैं कि आपका ये प्योर रजिस्टिव सर्किट होती है, प्योर रजिस्टिव, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप, तो पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि आप में ये क्वेश्चन आएगा, तो आज हम थोड़ा सा टेक्निकल का जो नेटवर्क आपका है वो भी कवर हो जाएगा, अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो क्लास है आज का बहुत बढ़िया क्लास है, यानी कि इसमें आप दो चीज़ पढ़ रहे हो लगातार, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का चल रहा है साथ में, ऐसा नहीं है, क्रिस्टल में आपने देख लिया कि सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 1/2π अंडर रूट में LC होगी, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है बच्चा, कोई दिक्कत? एक्सएल और एक्सी कट कैसे होगा? अरे बच्चा एक्सएल माइनस एक्सी है ना, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो ये कट नहीं हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी बराबर है, यानी कि 1 = 1 है, 2 = 2 है, 3 = 3 है, तो 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं पावर फैक्टर की, कि पावर फैक्टर क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर का, आज थोड़ा सा चीज़ें अच्छी पढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में तो आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, आज उठ गया ये टॉपिक तो मजा आता है, देखते हैं क्या होता है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ये आपने सुना होगा कई बार, लेकिन आपने इसको बस रटा होगा, इसका असली मतलब क्या होता है आपने नहीं समझा होगा। पावर फैक्टर एक्चुअली जो होता है वो होता है कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन में जेड, या आप बोल सकते हैं रियल पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, अपेरेंट बोल सकते हैं आप इसको, या बोल सकते हैं टोटल, टोटल पावर। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आज आप जान जाएंगे कि आपका बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर समझिएगा, ठीक है, ढंग से समझिएगा।
आगे बढ़े बच्चा, क्लियर है? एक्सएल इक्वल टू आर क्यों नहीं, कंडीशन होती है बच्चा जो आपका, देखिए आर आपका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है क्या? आर आपका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं एक्सएल और एक्ससी, इसलिए आप उनको बराबर करते हो, क्योंकि जब रेजोनेंस मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी मैच कर गया तभी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यानी कि उस फ्रिक्वेंसी पे आपका एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर फैक्टर होता क्या है इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर होंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ते हो, आप पावर सिस्टम में काफ़ी अच्छा खासा रोल है इसका है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कॉस फाई अगर वन होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, समथिंग क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। पावर फैक्टर मतलब ये होता है कि आप टोटल पावर में कितना पावर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अंदर घुस के बताता हूँ आपको चीज़ें। तो तीन चीज़ें होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा फटाफट, आज थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा क्योंकि आज थोड़ा सा चीज़ें आगे आ गई हैं। मैं आगे बढ़ूँ इसमें, आगे बढ़ूँ मैं बच्चा, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है और आपकी फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अज्जू राठौड़ जी, फ्रीक्वेंसी मैच, अब आपको 93.5 एफएम सुनना है, अब आपने रेडियो में ट्यून करना स्टार्ट किया। ट्यून बोलते हैं ना, एक बटन होता है ट्यून का, ट्यून जो होता है आपका वो एलसी कंपोनेंट ही होता है, वहाँ पे आप एल और सी की वैल्यू को चेंज करते हो और अपने रेडियो को 93.5 पे मैच करा देते हो, तो वो आपका क्या होता है, मैचिंग, उसी को बोलते हैं आप, ठीक है, एल और सी की वैल्यू को चेंज करके। बात समझ आएगी बच्चा? चलिए बात करते हैं। अब आपके एसी में तीन पावर होती हैं, एसी में आपके तीन पावर होती हैं। पहला आपका होता है रियल पावर जो आप यूज करते हो, इसको आप कैसे समझेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आपका होता है रियल पावर जो आर के क्रॉस होती है। दूसरा आपका होता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव मतलब क्या हुआ, जो आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं ये आपका पी से दिखाते हो, ये आपका क्यू होता है, और आपका लास्ट होता है अपेरेंट पावर। तीन टाइप की पावर आप पढ़ते हो और तीनों का फार्मूला, तीनों का मात्रक भी अलग अलग होता है, सबको याद रखना है। जो रियल पावर होती है ये वाट में होती है, डीसी और एसी में यही फ़र्क है, डीसी में आपका बस वाट ही वाट होता है, लेकिन एसी में आके आपका तीन टाइप का आता है, ये आपका होता है वी ए आर और ये आपका होता है वी ए, ठीक है। वाट मतलब आपका हो गया रियल पावर, वी ए आर मतलब क्या हुआ, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जब रिएक्टिव कंपोनेंट आपका है वो यूज करेगा वो, और आपका वी ए क्या होता है, वोल्ट एम्पियर टोटल पावर, जिसको आप बोल सकते हैं टोटल पावर। ये तीन टाइप की पावर होती हैं। अब समझिए प्रॉपरली कैसे ये चीज़ें आई, एसी में क्या दिक्कतें आई वो देखो आप। सबको चल रहा है प्रॉपरली, सबको मज़ा आ रहा है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो आपने इसको समझना कैसे, वो समझ लो आप। मान लो आपने एक चिप्स का पैकेट लिया ना, मार्केट में आप लेते हो चिप्स का पैकेट, इसको मिटा देता हूँ। चलिए चिप्स का पैकेट आपने लिया मार्केट से, लेते हो ना, लेते हो, चलिए आपने चिप्स का पैकेट लिया, ये आपका चिप्स का पैकेट है, लेज वगैरह जो लेते हो आप, पाँच रुपए का लेज होता है, आपको पता है कि यहीं तक चिप्स होता है, यहाँ तक आपको चिप्स मिलता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, ये आपका एयर होता है, हवा, और ये आपका क्या हो गया, टोटल आपका हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है बच्चा, टोटल अमाउंट। जब आप पाँच रुपए का चिप्स खरीदते हो, ये तो है नहीं कि आप उसको बोलते हो कि भैया एयर निकाल के आप मुझे बस चिप्स दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। आप पाँच रुपए एयर का भी पे करते हो, चिप्स का भी पे करते हो, तो ये आपका हो गया टोटल पावर, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है वो आपको इतना पावर देती है। अब आप कितना यूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसी को आप बोल देते हो, ये जो आपका है यही आपका है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव मतलब जो आपके काम का है ही नहीं, जो आपके काम का है ही नहीं, ये आपका है रियल पावर, यानी कि आपने चिप्स खाया और आपकी भूख मिट गई। देखो चिप्स का नाम आते ही भूख लग गई यार, हैं, आप लोग तो घर में हो, आप लोग तो चिप्स खा लोगे, हमारे अवसर सर तो भाई चलिए समझ में आ गया, क्लियर है, चलिए समोसे दिखे जा रहे भाई चलिए तो बात समझ आई। तो ये आपका रिएक्टिव पावर होता है जो आप यूज नहीं करते हो, रियल पावर ही आप यूज करते हो,
यानी कि 5 रुपये आपने खर्च किए लेकिन आपको 2.5 रुपये का ही फायदा हुआ, आपका 2.5 रुपये नुकसान हो गया। अब इसको घर में अप्लाई करते हैं कि घर में कैसे आप बिल पे करते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चा, आगे बढ़ें, सबको विजिबल है, सॉरी सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं पटाख से तेजी से। अब घर में बात करते हैं भाई, घर में मजा है क्योंकि चिप्स वाला तो समझ में आ गया कि भाई रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन घर में कैसे होता है वो देखते हैं। अब आप ये बताओ बच्चा, मान लो आपका फैन है, आपका फैन है, फैन आपका है, ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं इसको हटा दूं पूरा। आपका फैन है, फैन चलता किस पे है? आपका ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप बस ये समझ लो कि आपने पढ़ा होगा बेसिक चीज, मोटर और जनरेटर आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब इसकी बात नहीं करेंगे हमने तो आप कंफ्यूज जाओगे क्योंकि किस बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं मोटर की बात कर रहा हूँ, मोटर और जनरेटर की बात कर रहा हूँ। जो मोटर होता है और जो आपका जनरेटर होता है, मोटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, और यह करता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्या होता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आप ये जानते हो, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट एंड राइट हैंड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में तो आपको मैं बहुत बेहतरीन से बताऊंगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, क्यों हमने यूज किया वगैरह वगैरह। जब आप लाइन स्टार्ट करते हो, आपने स्विच ऑन किया, तो मोटर में क्या होता है कि मोटर को चलाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके मोटर में बनेगी, क्योंकि आप जानते हो करंट फ्लो होने पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो आपके काम का है क्या? वो आपके काम का बिल्कुल नहीं है। आपके काम का क्या है? जब पंखा घूमेगा तो जो आपको हवा देगा वो आपके काम का है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनने में जो एनर्जी आपकी लॉस हुई, जो आपका बिजली खर्च हुआ, उसी को आप बोलते हैं रिएक्टिव पावर। इसलिए पंखा उंखा चलने में आपका बिजली ज़्यादा आता है कंपेयर टू अदर। समझ आ गया बच्चा? उल्टा लिख दिया मैंने क्या? अरे अरे हाँ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, माफ़ी चाहता हूँ। किसने बताया ये चीज़? उल्टा लिख दिया किसने बताया? जी शिवांश द्विवेदी जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली मैंने गलती से लिख दिया है तो उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। आपका ये नहीं होता एक्चुअली, ये जुगाड़ से याद होता है, ये याद रखिए बच्चा, जुगाड़ से याद होता है। मोटर जो आपका है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, और ये क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। बात समझ में आई? तो आपका रिएक्टिव पावर क्या होता है? क्लियर हो गया? यानी जो आप यूज नहीं करते हो लेकिन तब भी आप उसका पैसा पे करते हो, वो आपका रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और आपको एडवांस तक इसको समझा दूंगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ये वादा है मेरा। ठीक है, अभी के लिए आप इतने रखते हैं, नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो बात कर रहे थे हम कहाँ की? पावर फैक्टर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, पावर फैक्टर की बात कर रहे थे। तो कॉस फाई आपका होता है, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है? आर बाई जेड। अब मैं अगर पहला केस लूँ कॉस फाई इक्वल टू जीरो, अगर कॉस फाई जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर कॉस फाई आपका जीरो हुआ, ये जीरो कब होगा? जब आपका आर जीरो होगा, जेड जीरो होगा तो ये इन्फाइनेट हो जाएगा, तो आपका आर जीरो होना पड़ेगा। यानी कि जो आपने टोटल पावर दी वो आपकी रियल पावर में बनी ही नहीं, मीन्स आपने चिप्स का पैसा दिया लेकिन वो पैसा आपने हवा के लिए दिया, यानी कि उस चिप्स के पैकेट में चिप्स था ही नहीं। इसका मतलब ये होता है, यानी कॉस फाई इक्वल टू जीरो यानी सबसे वर्स्ट केस होता है, सबसे वर्स्ट केस है, यानी कि आपने पैसा दिया और आपको चिप्स मिला ही नहीं, आपको उसने हवा दे दी। ठीक है, तो आप ये कभी नहीं चाहते। सेकेंड आपका, अगर कॉस फाई आपका वन हो गया तो क्या होगा? यानी आपका आर इक्वल टू क्या रहेगा? जेड। मीन्स जो आपने टोटल पावर दी है वो आपका टोटल, एक्चुअली आर बाई जेड जो होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं रियल पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, टोटल पावर, यानी कि आपने टोटल पावर जितनी पावर आपको मिली थी आपने पूरा रियल पावर में ही यूज कर लिया। तो आप चाहते हो आइडियली कि कॉस फाई आपका वन हो, लेकिन वो वन जनरली मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें और हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, यहाँ तक ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है जी, हाँ जनरेटर मोटर आपका बजट हो गया था, मैंने आपको बता दिया वो चीज़, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बची रह गई अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कुछ आ जाती है तो उसको छोड़ नहीं सकते बीच में ना हम। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने क्रिस्टल पे फिर से दोबारा, यहाँ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चा? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा
कि भैया क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, उसमें कौन कौन से आप मटेरियल यूज करते हो, तो आपने तीन मटेरियल पढ़े। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो इक्विवेलेंट डायग्राम होता है वो कैसे बनता है, आपने वो पढ़ लिया। अब उसकी फ्रिक्वेंसीज कौन कौन सी होती हैं उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, चलिए ये आपका आ गया क्रिस्टल ऑसिलेटर का फिगर, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी इसमें बनती हैं, चलिए देख लेते हैं फटाक से। तो आपका ये आ गया डायग्राम, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए परफेक्ट। अब इसमें सीरीज, पहला अगर सीरीज रेजोनेंट की बात करें तो एफ एस इक्वल टू, तो 1/2 pi अंडर रूट में एल सी एस, एल एस सी एस, ये आपका क्या होता है, सीरीज का फार्मूला होता है। बात समझ आएगा बच्चा, किसका फार्मूला होता है आपका, ये सीरीज का फार्मूला होता है, किसमें, क्रिस्टल ऑसिलेटर के रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला है। बात समझ आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैरेलल के लिए, जब आप पैरेलल में करते हो, पैरेलल में क्या होता है आपका, जो पैरेलल फार्मूला होता है एफ पी इक्वल टू होता है 1/2 pi अंडर रूट ऑफ एल एस, और आपका सी इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट आपने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपका दो सी हैं, एक आपका सी एस है और आपका एक सी पी है, तो क्या हो जाएगा आपका ये सी एस इंटू सी पी अपॉन में सी एस प्लस सी पी, ये आपका होता है सी इक्विवेलेंट, यही आपका है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्वेश्चन आपका यही बनता है, इससे बाहर नहीं जाता है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत? जी 0.9 के आसपास आपका होता है पावर फैक्टर, जी हाँ। जब आपका वो आएगा आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा कि पावर फैक्टर होता क्या है, कैसे आप उसको निकालते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा, अभी वहाँ पे नहीं आते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अरे रिपीट करना है फिर से? चलिए अच्छा भाई, सीरीज फ्रिक्वेंसी यानी सीरीज, जब आपका सीरीज रेजोनेंस होता है तब आप क्या करते हो, एल एस यानी कि आपका जो इंडक्टर एल एस है और आपका सी एस है, ये आपका काम करता है। जब आप पैरेलल की बात करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, जब पैरेलल की बात करोगे यानी कि पैरेलल वाला कैपेसिटर आपका काम में आ जाएगा, तो आप पूरा ओवरऑल लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 1/2 pi एल एस इंटू सी इक्विवेलेंट, और आपका जो सी इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सी एस सी पी अपॉन में सी एस प्लस सी पी होता है, ठीक है। अरे नहीं, जब आप इसको देखिए, ये आपका पैरेलल में है ना, आप इधर से लोगे तो क्या होगा आपका, ये पैरेलल में तो है, सीरीज में कहाँ है बच्चा, ठीक है क्लियर। चलिए परफेक्ट, तो आपका ये बेसिक था क्रिस्टल में, तो कैसे आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हो, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो आज जो आपने पढ़ा है काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ा है चीज़ों को। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आए फटाफट, चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लें फटाफट, चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे नायक जी, जो आपका डाउट था एक्चुअली मैं वो समझ नहीं पाया, वो मैं शायद नहीं लाया हूँ आज, उसको देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था जो होमवर्क में था, उसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि टाइम हो गया है आपका, और आपका काफ़ी कुछ रह गया थोड़ा सा अभी, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो फटाफट बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, अरे हाँ पैरेलल आपका पैरेलल आपका जो रहेगा सीरीज में, हाँ सॉरी सीरीज में है वो, पैरेलल नहीं, आपका पैरेलल में हो जाएगा, तो अपोजिट, सही कह रहे हैं आप। कौन बोला ये चीज़, किसने बताई बच्चा, एलेक्स आस्टिन जी ने, हाँ बिल्कुल, कैपेसिटर अगर पैरेलल में होगा तो आपका ऐड हो जाएगा सिंपल, हाँ सी वन प्लस सी टू होता है वो, बाय मिस्टेक आपका क्या कर दिया मैंने, सी वन बाई सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू कर दिया, तो आपका वो सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, लूप में एक्चुअली वो सीरीज में ही है, ठीक है। चलिए टाइम हो गया क्या, अरे टाइम हो गया तो अभी क्वेश्चन रह गए बच्चा, क्वेश्चन करना ही नहीं करना है आपका, ए परफेक्ट सही है आपका होमवर्क है, क्या लगा आपका ए आंसर, आगे बढ़ें, बस करें, आप बताओ बस करें कि आगे पढ़ाएं, अगर आप आज बस करना चाहते हैं तो कल आपका क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको कल क्वेश्चंस भी कराने हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं अभी रिमेनिंग, प्लस आपका अभी यूजेटी बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है, तो कल आपका लास्ट सेशन रहेगा ऑसिलेटर का, क्लियर है। और जो मैंने इलेक्ट्रिकल में आपको बताया आज मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। जिन बच्चों को लग रहा हो कि मैंने आपको आधा अधूरा पढ़ाया है,
तो परेशान मत होना बच्चा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी आएगा, नेटवर्क में आप पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताऊंगा आपको वो चीज़ें, ठीक है। ये बस आपका एक ओवरव्यू था। चलिए सेकंड क्वेश्चन फटाफट करिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए तेजी से। क्वेश्चन आपका है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज दैट, क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्राइमरी एडवांटेज क्या है। इट कैन ऑसिलेट एट एनी फ्रिक्वेंसी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट गिव्स अ हाई आउटपुट वोल्टेज, ऐसा पॉसिबल कह सकते हैं आप, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रिमेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी आपको ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर चूज करना है, ठीक है, सबसे मोस्ट प्रोबेबल। तो क्या होगा आपका, ये रिमेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हमेशा ये कांस्टेंट आपको एक स्टेबल देता है। चलिए क्या होगा, सी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से खत्म करें और आपका कल कुछ नया टॉपिक स्टार्ट हो, ठीक है। कल आपका स्टार्ट होगा क्या, UJT, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप फटाफट जो बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास आपकी चलती रहती है, आज से सर आपकी लेते हैं क्लास, ठीक है, उसको आप करिए। हमारे में भी जो थोड़े बहुत टॉपिक हैं, जैसे आपका 10th वाला जो टॉपिक है जिसमें आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हो, उसमें आपको मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, उसमें आपका जितना भी है BH कर्व वगैरह से लेके इलेक्ट्रिकल जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करता है, बेसिक जो है, एडवांस नहीं, सिर्फ बेसिक जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बस वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, हर एक चीज़ बताऊंगा, परेशान मत होइए। ओके जी हाँ, हमारे क्वेश्चन भी इसमें आते जाएंगे। अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ डिजिटल सर्किट फॉर अ टाइमिंग पर्पज बिकॉज ऑफ इट्स, बताइए क्या होगा आपका आंसर दीजिए फटाफट। बी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। क्या होगा आपका, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी कारण, मेन कारण क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्टेबल होती है, क्योंकि आपने भी देखा ये L और C पर ही डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे सर LC ऑसिलेटर भी तो था, लेकिन ये क्या होता है, इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है, मैंने क्वालिटी फैक्टर की बात नहीं की अभी, क्वालिटी फैक्टर आपका अभी बच गया है, क्वालिटी फैक्टर आप जानते हो ना, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्यू, जो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है वो जितना ज़्यादा रहेगा, इसका क्वालिटी फैक्टर आपका सबसे ज़्यादा होता है। क्वालिटी फैक्टर आप पढ़ेंगे कब इलेक्ट्रिकल में, तो क्या होगा, ओमेगा एल अपॉन में आर। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि जब सब इलेक्ट्रिकल में था तो आपको इलेक्ट्रिकल पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कारण क्या होता है कि आप देखो बच्चा, जो टॉपिक आता जाएगा उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं खत्म करेंगे तो दिक्कत है, खत्म करेंगे तो दिक्कत है। तो ओमेगा एल बाई आर आपका होता है क्वालिटी फैक्टर, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा, ये आपका फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिविटी, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर आपका होगा उतना ही फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव आपकी बेस्ट होती है। मीन्स अगर आपके पास रेंज है, मान लो आपको क्या करना है 93.5 आपको क्या करना है, मैच कराना है, क्वालिटी फैक्टर अगर लो रहेगा तो वो क्या करेगा, एक पूरा बैंड कवर करेगा, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर लो रहा तो वो काफ़ी लंबा बैंड कवर करता है, अगर क्वालिटी फैक्टर आपका हाई रहा तो वो कम बैंड में ही, यानी कि बहुत ही लेस बैंड में ही वो चीज़ों कवर कर लेगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये अच्छे से बता दूंगा और, ठीक है। आगे बढ़ें, हिंदी में समझा दीजिए, क्या हिंदी समझाओ बच्चा। तो क्या होगा आपका, हाई फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है वो कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, बताइए क्या होगा बच्चा। जो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है वो सेलेक्टिविटी मीन्स बेस्ट, जब आपका देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे तो आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, अगर कम ऑप्शन रहेंगे तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी होती है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा रहेगा आपका सेलेक्ट करने में आपको उतनी ही आसानी होती है। डन, टाइम हो गया, अरे बच्चा क्या हुआ, सब जा रहे हैं क्या, हाँ कितना होगा बताइए आपका, हो जाएगा सी, परफेक्ट। जो सी दे रहे हैं 10 MHz to 100 MHz, ये आपका सही आंसर है। होमवर्क क्वेश्चन आपके अभी रह गए हैं, तो ऐसा करते हैं बच्चा, काफ़ी लोग अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थक से गए हैं, ठीक है, और CBT वन आपका अभी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि भाई जैसा उन्होंने RRB ने ऑफिशियली कहा है हम उसको ही मांग चलते हैं, और आपको टाइम देना है कि आपको मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चा कि आज इतना ही रखते हैं, कल आपका जो है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, आपके होमवर्क क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं कराऊंगा, और जो डाउट था आपका नायक कौन, नायक जी हैं, वो अपना डाउट आप फिर से एक बार लिख देंगे, एक्चुअली मैं मिस कर गया उनके डाउट्स को, कल मैं डाउट्स का पूरा आपका ऑसिलेटर जितना भी है, जो भी डाउट है, जो भी दिक्कतें हैं, कल आपका लास्ट सेशन होगा ऑसिलेटर का, उसके बाद हम चलेंगे नए टॉपिक की ओर, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप वीडियो के बाद
कमेंट में लिख देना, मैं वादा करता हूँ कि कल वो मैं लेके आऊँगा डाउट्स जितने, ठीक है। एक तो टाइम कम मिलता है तो उसमें बहुत कुछ कराना होता है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कराने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए आप नाराज मत होना, ठीक है, मैं हर एक चीज़ क्लियर करूँगा जितना हो सकता है प्रॉबिलिटी, ठीक है जी। चलिए आज ख़त्म करते हैं, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर, और मिलते हैं फिर आपका कल इसी टाइम पर इस समय पर UJT के साथ। और आपका ऑसिलेटर कल द एंड हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए होंगे सब कल कवर कर देंगे, आपका होमवर्क भी कवर हो जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पर इस समय पर। बाय बाय, टेक केयर।